लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। 1 सितंबर को स्नाप सीएम कॉलेज मोकरवट में एक प्रेरणादायक दिशा में मेघालय सरकार के मुख्य सचिव डोनाल्ड फिलिप्स वालांग आईएएस ने राज्य भर के कॉलेजों के छात्रों और युवाओं को एक प्रेरक संदेश दिया। वालांग ने इस बात पर जोर दिया कि प्रगति सालोम गुवाहाटी या दिल्ली जैसे शहरों तक ही सीमित नहीं है और छात्रों से उच्च लक्ष्य रखने का आग्रह किया। वालांग ने पारंपरिक करियर प्रथाओं से परे देखने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसरो वैज्ञानिक द्वारा डिजाइन किए गए भारत की चंद्रयान की चंद्रमा पर उतरने की हालिया उपलब्धि का हवाला दिया। उल्लेखनीय रूप से वालांग ने कहा, इनमें से 90% वैज्ञानिक दूर दराज के क्षेत्र की संस्थानों से थे, न कि आईआईटी जैसे विशेष संस्थानों से। छात्रों को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने उन्हें अपनी क्षमता को कम नहीं आंकने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल शिलांग गुवाहाटी या दिल्ली ही नहीं बल्कि मोकरवट जैसे जगहों के व्यक्ति भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उन्होंने उनसे चुनौतीपूर्ण नौकरी बाजारों के सामने भी ध्यान केंद्रित रहने, लचीला बनने और आशा बनाए रखने का आग्रह किया। वालांग ने सफलता की वैकल्पिक मार्ग के रूप में उद्यमिता के महत्व पर जोर दिया और अपस्केलिंग कार्यक्रमों की उपलब्धि का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रेजुएशन सिर्फ शुरुआत है और निरंतर सुधार आवश्यक है। ये प्रेरक भाषण छात्रों को एक अनुस्मारक के रूप में काम करता है कि उनकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है और धीर संकल्प और नवीनता के साथ वे नई सिटीज जीत सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। Let me tell you only one thing. People talk about engineers in the country. People talk about students who pass out from IIT, students who pass out from premier institutions. Last week, the lunar vehicle from India, designed by ISRO, landed on the moon. 90% of the scientists who designed this lunar vehicle that landed on the moon were from institutions that were from far-flung areas. Many of them passed out from areas like Calicut, like Trivandrum. Like, in fact, I have a classmate of mine who's a deputy director in Kerala, in ISRO, who's also part of that. And they are not from IITs. Somebody mentioned very interestingly, IITians, those who pass from IIT, they go to Silicon Valley. Non-IITians go to the moon. So therefore, you also, as students from this area, don't think that you cannot conquer new horizons. Not only people from Shillong can do it, not only people from Guwahati, from Delhi, people from Mokurwat also can do it. Therefore, be focused, be strong, never lose hope. Remember that. Even if you don't get a job, because it's very challenging nowadays, there are many other avenues. You can be entrepreneurs. There are programs available for all of you to upskill. So remember, graduation is just one part. Upskilling yourself again and again is another part, which is very important. लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।